थे बहुजन समाज के पार्टी के तरफ से यहाँ पर रैली में ये बस जा रही है मान्योर काशीराम साहब की 15वीं पुण्यतिथि पर। हम कुछ जानकारी लेते हैं यहाँ पर इन लोगों से जो भी हैं कार्यकर्ता, चाहे सेक्टर अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष। क्या नाम है आपका? जी आनंद कुमार है भाई साहब। किसी पद पे हैं बहुजन समाज पार्टी में या? नहीं अभी कोई पद नहीं है। अच्छा, कार्यकर्ता। कौन से जिले से आ रहे हो? ललितपुर से है सर। ललितपुर से? अच्छा, ये कब निकले हो? कल निकले थे, 2 बजे निकले थे। कल शाम को 7 बजे? अच्छा, आने रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं कोई परेशानी नहीं। टोल टैक्स वाला कोई परेशान तो नहीं किया? नहीं कोई परेशानी नहीं आई। अच्छा अच्छा, रास्ता बन गया। अच्छा, कितने बसें आपके जिले से आ रही हैं? हमारे महरौनी विधानसभा से 5 बसें लगी। 5 बसें हैं। आपके वहाँ के विधानसभा प्रभारी कौन है? श्री धनीराम राजपूत जी। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, इस बस में कितने की संख्या होगी? लगभग लगभग 70 लोग हैं इसमें। 70 है। पीछे वाली बस है नेक्स्ट? अच्छा, काफ़ी संख्या में आए। इधर डबल ड्रेगर की बस है, परमिशन के अनुसार चल रहे हैं जितने सवारी आ सकते हैं, ओवरलोड नहीं है। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। वो जो कैंडिडेट प्रभारी प्रत्याशी बनाए गए हैं कैसे हैं, उनका साफ सुथरा है क्या है? अभी हम लोगों को जानकारी नहीं है, अभी माननीय बहन जी उसका निर्णय लेंगे। बहन जी का सर निर्णय है, वो सर्वमान्य निर्णय हम लोगों को मान्य होगा। अभी हमारी तरफ से कोई विधायक की ऐसी टिकट नहीं है, और जिसको भी माननीय बहन जी चुनेंगे वो हम लोगों को मंजूर है। अच्छा, आप लोग को मंजूर है, यानी आप लोग अबकी बार अपने यहाँ से विधायक बना के ही भेजेंगे? हाँ बिल्कुल पक्का, हम लोगों ने सुनिश्चित कर लिया है, काम रखा है कि बहन जी जनता और माननीय युवा जो वर्ग है उससे भी अनुरोध करेंगे कि बहन जी के तन मन धन से उसमें कार्य करें, और बहन जी को 5,000 हम लोगों को मुख्यमंत्री बना के देना है। मिशन 22 में काम लगे, मिशन 22 का लक्ष्य है जी। मिशन 22 में 100% बहुजन समाज पार्टी आएगी। फिर उद्याल हरवार मड़ौरा। अच्छा, किसी पद पे हैं बहुजन? जी हाँ जी हाँ, पद पे हैं। झांसी मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं। अच्छा, मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं जी। अच्छा अच्छा, मंडल के जी। अच्छा, तो अपने यहाँ से आपकी क्या उम्मीद है? बहुजन समाज पार्टी निकाल ली जाएगी सीट? हाँ निकलेगी, 2007 में निकली थी, 12 में भी जीती थी, 17 में लहर की वजह से वो कमज़ोर पड़ गई थी। अच्छा, इस बार पूर्ण रूप से बहुमत में आएगी, दोनों जिले की दोनों विधानसभाएँ जीते हैं, ललितपुर जिले की। अच्छा, ललितपुर से हैं? हाँ, यानी मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे हैं आप लोग? जी जी, अंतिम छोड़ लखनजा से लखनऊ बोला जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। लखनऊ की सड़कों पर दिखा बहुजन का असर, जगह जगह जाम, काफ़ी बसों का आवागमन। देखिए लखनऊ की सड़कों पे, यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में लोग जा रहे हैं उस जनसभा में जहाँ पर मान्योर काशीराम साहब का निर्माण दिवस मनाया जाएगा, जो एक ऐतिहासिक होगा। ऑटो नहीं मिलेगी, अब ऑटो बंद है। ये मान्योर साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर आप लोग कहाँ से आ रहे हैं सर, अपना परिचय दीजिए। मैं इंजीनियर पहले वर्मा, मैं लखनऊ में ही, मैं लखनऊ में रहने वाला हूँ और हम जा रहे हैं। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी में या बहुजन मुक्ति पार्टी? बहुजन समाज पार्टी में जी जी, यही जानना चाहते हैं आप। मैडम कहाँ से? मैं भारती, मैं गाजीपुर से आई हूँ। बहुजन समाज पार्टी की मैं एक कार्यकर्ता हूँ, और आज यहाँ मान्योर कांशीराम साहब जी की पुण्यतिथि है, उसी में हम लोग आए हुए हैं बहन जी के विचार को सुनने के लिए। जी जी, आप सर भी नाम अपना? जनपद गाजीपुर से आया हूँ मैं, रामदेव मेरा नाम है,
मैं भी बहुजन समाज पार्टी के लिए एक कार्यकर्ता हूँ और उसमें कार्य करते हैं। और हमारी आज माननीय कांसीराम साहब जी का पुण्यतिथि है, उसमें हम लोग सम्मिलित होने आए कार्यक्रम में। आप कहाँ से हैं सर? देवी उन्नाव से। जी सर। अच्छा, आप अकेले हैं और भी आपके साथ? हमारे साथ और भी। अच्छा, आगे निकल गया पीछे? नहीं, नहीं, पीछे आगे से निकल गया। अच्छा, कितनी संख्या में आए हो आप लोग? सर हम लोग 22 लोग। अच्छा अच्छा, तो मानवर साहब के विचारों, बाबा साहब के विचारों पर चल रहे हैं या कैसे? उन्हीं के विचारों, उन्हीं विचारों पर। आपकी बार 2022 में किसकी सरकार बना देंगे आप लोग? सर वैसे हम लोग तो किसी बाबा साहब की बनाने की कोशिश में लगे हैं। बहन जी, बहन मायावती की। अच्छा अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग जिला महोबा से हैं। महोबा से? हाँ। आपकी बार 2022 में आ जाएगी बहुजन समाज पार्टी सरकार? हाँ, निश्चित आएगी। निश्चित आएगी, इसीलिए तो आए। क्यों नहीं नारा वारा लगा रहे हो? नारा लगाओ। मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2022 किसकी सरकार? हम नारा की सरकार, मायावती की सरकार 2022 में आएगी, 100% आएगी। अब हम बहुजन न्यूज चैनल भास्कर भारत। साथियों, हम दिखा रहे हैं, जहां तक हमारी कैमरा दिखाई दे रहा है वहां तक बस की ही लाइन लगी हुई है, खाली बस खड़ी है, बाकी लोग रैली के मैदान में चले गए हैं यहां पर। और इस तरफ भी हम दिखा रहे हैं, देखिए ये कौन सा रोड पर बोला जाता है, ये देखिए वीआईपी रोड है। यहां पर भी देखिए, एक तरफ से लाइन से बस ही खड़ी है, काफ़ी संख्या में बस है, एक साइड से क्रमवाइज करके हैं, अलग अलग ज़िलों से आए हुए हैं। और यहाँ पर अभी तमाम साथी जा भी रहे हैं यहाँ इस कार्यक्रम में, उस लाइन से, इस लाइन को खाली रखा गया है। ये बहुजन समाज पार्टी की रैली में आए हो जी, तो वहाँ चलो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, वहाँ से आए हो? अच्छा अच्छा अच्छा, चल रहे भैया? अच्छा, वहीं चल रहे हो? अरे वाह, देखिए कम से कम 70-75 साल की एज होगी और ही होगा। 24 साल बीसवीं काम किया है। अच्छा, वो छोटे मोटे आदमी हैं। कहाँ से आए हैं? सामान से, लखनऊ हरदोई से। हरदोई से? हरदोई से। अच्छा अच्छा, कहाँ से हो, किस जिले से हो? जय भीम। जय भीम। नारा तो लगाओ, नारा तो लगाओ। जय भीम, जय भीम, जय भीम। वापस आ रहे हैं, कौन से जिले, कहाँ से हैं आप लोग? कार्यक्रम में आए थे? हाँ। तो वापस क्यों जा रहे हैं अभी? आप कहे भाषण हो गया, आप जा रहे हैं? अच्छा, किसका भाषण हो गया? मायावती जी का खत्म हो गया? चल रहा है। Yeah.
काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न
चलो
इधर से हम भाई साहब को भाई बढ़िया सर कैसा जो ये पुलिस व्यवस्था है आज यहाँ पर बताइए। सत्ता के अधीन पुलिस और ये कर्मचारी सरकारी कर्मचारी सत्ता के अधीन हो रहे हैं। इनको पेमेंट सरकार दे रही अधीन किसके लिए भली बात है। आप लोग को बताना चाहता हूँ, गोरखपुर में कानपुर से गया एक व्यापारी को पुलिस वाले पीट पीट करके जो है उसको जो है मार देते हैं एक होटल में। तो इस तरह का प्रशासन चल रहा है। एक बच्ची जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में उसकी लटकती हुई लाश पाई जाती है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अभी तक उस बच्ची के परिवार वाले जो है न्याय के लिए दर दर की ठोकरे खा रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन आज तक जो है उस बच्ची को न्याय नहीं मिल पाया। उसकी बहन, उसके माता पिता, आज भी प्रियंका भारती नाम है उस बच्ची का, गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्रा थी, उसको लटका करके मार दिया गया लेकिन आज तक उसे न्याय नहीं मिल पाया। तो मैं कहना चाहता हूँ आप मीडिया चैनल के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि इनके राज्य में कोई शासन व्यवस्था सुनिश्चित नहीं है, कोई सही तरीके से शासन व्यवस्था नहीं चल रही है, प्रशासन एकदम भ्रष्ट हो चुका है। बहन जी को लाना ही एकमात्र उपाय है। आदरणीय बहन जी जब इस देश का इस प्रदेश का कमान संभालेंगी तभी इसकी शासन व्यवस्था जो है सुचारू रूप से सही ढंग से चल जाती, क्योंकि बहन इससे पहले हम लोगों ने बहन जी का भी शासन देखा, उसके बाद अखिलेश यादव का शासन देखा, फिर उसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ का शासन देख रहे हैं। तीनों को अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे बढ़िया सर्वोच्च स्थान पर माननीय बहन जी का शासनकाल है। मैं आप लोगों से सर्वद निवेदन करता हूं कि इस बार केवल और केवल हाथी के आगे वाला बटन दबा करके माननीय बहन जी को भारी मतों से विजयी बनाएं और इस प्रदेश में सुशासन कायम करने का कृपा करें। प्रदेश का क्यों, आप पूरे देश के उनका करिए ना, देश के लिए क्या देखते हैं आप, प्रधानमंत्री रूप में देखना नहीं चाहते मायावती जी को? बिल्कुल प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं लेकिन अभी जो वर्तमान का जो चुनाव है उसके मद्देनजर भी बीएसपी को आना बहुत जरूरी है, बहन जी को आना बहुत जरूरी है। बाकी हर इस देश का युवा, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, छात्र सब चाहते हैं कि इस देश की आयरन लेडी माननीय बहन जी देश का प्रधानमंत्री पद का भार संभाले, तभी इस देश को हम विश्वगुरु बना सकते हैं, इस देश को बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत हम बना सकते हैं, मानवर कांसी राम के विचारों का भारत बना सकते हैं। आप सभी का